हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइबा हाशिम, योर EVS टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, हाउस वी लिव इन। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो कि इंट्रोडक्शन है। द प्लेस वेयर वी लिव इज कॉल्ड अ हाउस। जिस जगह हम रहते हैं उसे कहते हैं हाउस। द हाउस इन विच वी लिव विद आवर फैमिली इज कॉल्ड आवर होम। वो घर जिसके अंदर हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उसे कहते हैं होम। नेक्स्ट हेडिंग है नीड ऑफ अ हाउस, मतलब घर की ज़रूरत। तो देखते हैं घर की ज़रूरत हमको क्यों है, क्या है। तो इन्होंने दिया हुआ है एवरीबडी नीड अ प्लेस टू लिव इन। हर इंसान को एक जगह चाहिए रहने के लिए। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। एक घर हमें गर्मी और सर्दी दोनों से हमारी हिफाजत करता है। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन एंड स्टॉर्म। घर हमारी बारिश और आंधी से हिफाजत करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। इट सेव्स अस फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल। ये हमको थीव्स कहते हैं चोर को, और वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर। ये हमको चोर और जंगली जानवरों से बचा कर रखता है, सेफ रखता है। अ हाउस गिव्स अस पीस कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस। घर हमें पीस शांति कम्फर्ट मतलब आराम, और हैप्पीनेस मीन्स खुशी देता है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी कि घर के प्रकार या घर किस तरह के होते हैं। ऑल हाउसेस आर नॉट सेम। सारे घर सेम नहीं होते। दे आर ऑफ मैनी टाइप्स। वो अलग अलग तरह के होते हैं। सम हाउसेज आर बिग, कुछ घर बड़े होते हैं। सम आर स्मॉल टू, कुछ छोटे भी होते हैं। हाउसेज मेड ऑफ मड और बैम्बू आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग। वो घर जो मिट्टी वगैरह से मिलकर बने होते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दीज हाउसेज आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज। इस तरह के घर को कच्चा हाउसेज कहते हैं। हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट आर स्ट्रॉन्ग। वो घर जो ब्रिक्स कहते हैं ईंट को, और सीमेंट हम सब जानते हैं, वो घर जो सीमेंट और ईंटों से मिलकर बने होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। दीज हाउसेज आर कॉल्ड पक्का हाउसेज। इस तरह के घर को हम पक्का हाउसेज कहते हैं। आवर हाउसेज शुड बी एयरी एंड सनी। हमारा घर एयरी और सनी दोनों ही तरह का होना चाहिए। द विंडो लेट इन फ्रेश एयर एंड सनशाइन। विंडोज़ से हमको फ्रेश एयर और सनशाइन मिलती है। देयर आर ऑल्सो सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग तरह के घर होते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ हाउस, घर के हिस्सों के बारे में या पार्ट्स के बारे में। इन अ बिग हाउस, बड़े घर में देर आर मैनी रूम्स, बहुत सारे रूम्स होते हैं। एवरी रूम हैज़ डिफरेंट नेम। हर रूम का, हर कमरे का अपना एक अलग नाम होता है एंड डिफरेंट पर्पस, और उसके होने की अपनी एक अलग वजह होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है क्लीननेस ऑफ अ हाउस, घर की सफाई। हाउसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। घर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वी शुड कीप अवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें अपना घर साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड पुट थिंग्स ऑन देयर प्रॉपर प्लेस। हमें चीज़ों को उनके प्रॉपर जगह पर रखना चाहिए। द फ्लोर शुड बी मॉप्ड एंड क्लीन डेली। फ्लोर की मतलब जो फर्श है उसकी रोज़ाना सफाई करनी चाहिए, पोछा लगाना चाहिए। थिंग्स लाइक चेयर, टेबल, फ्लावर पॉट एंड टीवी शुड बी डस्टेड डेली। चेयर, टेबल, फ्लावर पॉट, टीवी, ऐसे चीज़ों की रोज़ डस्टिंग करनी चाहिए। वी मस्ट कीप द थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूजिंग दैम। कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने के बाद हमें उसकी प्रॉपर प्लेस पर ज़रूर रखना चाहिए। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट उन पर इसकी एक्सरसाइज कवर करेंगे। अभी आपको इस चैप्टर में कुछ डाउट है तो आप उस बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।